रेडिप आई ड्रॉप जो कि बनाया जाता है सनविज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। 10 ml का ये ड्रॉप रहता है जिसका MRP 61 रुपीज़ रहता है। ये ड्रॉप जिसके अंदर नेपाजोलिन रहता है, क्लोरफिनेमाइड मेलेट रहता है, बोरिक एसिड रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है और हाइड्रोप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज रहता है और 66 रुपीज़ का ये पूरा ड्रॉप रहता है जो कि 10 ml में रहता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का है और इसका सब्सटीट्यूट कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि रेडिपिप आई ड्रॉप के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी क्रीम या कोई भी आई ड्रॉप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। रेडिप आई ड्रॉप जो कि बनाया जाता है सनवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। 66 रुपीज़ का 10 ml का ये ड्रॉप रहता है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो नेपाजोलिन 0.0056% वेट बाय वॉल्यूम रहता है। क्लोरफिनेमाइड मैलेट इसके अंदर 0.01% वेट बाय वेट रहता है। बोरिक एसिड इसके अंदर 1.25% वेट बाय वेट रहता है। सोडियम क्लोराइड इसके अंदर 0.05% वेट बाय वेट रहता है और हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपाइल सेलुलोज इसके अंदर 0.006% वेट बाय वेट रहता है। 10 ml का ये ड्रॉप रहता है जिसका MRP 66 रुपीज़ रहता है। तो ये क्या करता है कि एलर्जिक आई डिसीज से ट्रीटमेंट करता है और ये रिलीफ देता है रेडनेस को, आंखों के अंदर सूजन आई हुई है तो वहाँ से रिलीफ देता है और जो जलन वगैरह होती है तो वहाँ से ये रिलीफ देता है। तो अगर आप इसको आई के डॉक्टर के द्वारा नहीं लगा रहे हो, खुद से लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा लगा रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आंखों में इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकता है और दिखने में धुंधला धुंधला हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकते हैं। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना यूज़ करें और इसको सेकवेल करके यूज़ करें। तो ये काम कैसे करता, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर 5 दवाई डाली गई है जो कि नेपाजोलिन, क्लोरफिनेमाइड मैलेट, बोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज डाला जा रहा है। तो नेपाजोलिन जो कि डीकोजुनेट है जो कि क्या कर देता है कि पतला कर देता है ब्लड विजर्स को, जो कि इन्फ्लामेशन वगैरह से रिलीफ देता है। क्लोरफिनेमाइड मैलेट इसके अंदर डाला गया जो कि एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि ब्लॉक कर देता है सर्टन केमिकल मैसेंजर को, जो कि आंखों को लाल करना, खुजली आना, आंसू लाना, उसमें यह हेल्प करता है। और बोरिक एसिड इसके अंदर डाला गया जो कि एक एंटीसेप्टिक है जो कि बैक्टीरिया को कम करता है और ये इरिटेशन वगैरह से रिलीफ देता है। और सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डाला गया है जो कि एक प्यूरिफाइड सॉल्ट है जो कि क्या कर देता है कि वाटर को सोलिंग करता है। और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज डाला गया जो कि एक लुब्रिकेंट है जो कि नेचुरल तेल लाने में हेल्प करता है और ये क्या करता है कि आंखों की ड्राइनेस वगैरह से हेल्प करता है। तो ऐसे काम करता है ये आई ड्रॉप। तो इस आई ड्रॉप के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पे पूछ सकते हो। और चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।